हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ पीआईबी 24/7। मैं हूं मनीष मिश्रा एंड इन दिस सेशन एज यूजुअली आई विल ब्रिंग टू यू फाइव क्वेश्चंस फ्रॉम द पीआईबी न्यूज। ओके एंड गाइस, दिस सेशन पीआईबी 24/7 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, स्टेट पीएससी, आरबीआई ग्रेड बी एंड एटसेट्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद क्वेश्चन नंबर वन। With a view to provide financial, technical and business support for upgradation of existing micro food processing enterprises, the government has launched the very important PM formalization of micro food processing enterprises scheme. So, ये scheme guys काफी important है और इस scheme को announce किया गया था in the Atmanirbhar Bharat package and the name of the scheme is PM formalization of micro food processing enterprises scheme. So, the question is which among the following is not having the correct information about the scheme? इनमें से क्या स्कीम के बारे में इनकरेक्ट है? ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस। सो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हेडेड बाय हरसिमरत कौर बादल, शी इज लोकसभा एमपी फ्रॉम बठिंडा, ओके, एंड हर पार्टी इज शिरोमणि अकाली दल। ओके, सो दिस मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द स्कीम पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान विद अ व्यू to provide financial, technical and business support for upgradation of existing micro food processing enterprises. जो भी existing micro food processing enterprises हैं, उनको financial, technical और business support provide कराने के लिए इस scheme को launch किया गया है. Now, who will be the beneficiaries under the scheme? FPOs, SHGs, cooperatives और state-owned agencies और private enterprises. So, इनमें से कोई भी इस scheme का beneficiary हो सकता है. And this scheme will be implemented over a period of 5 years, that is from financial year 2021 to financial year 25. Okay, and there will be one district, one product approach that will be followed under this scheme. And under this, the states would identify food products for districts, keeping in view the existing clusters and availability of the raw material. So basically, one district, one approach follow kiya jayega under this scheme. Now, what are the other focused areas that will be focused in this scheme? So number one is waste to wealth products, minor forest products and aspirational districts. So these are some other focused areas that will be focused in this scheme. Now there will also be capacity building and research program through the help of NIFTEM and IIFPT, which are the academic and research institutions under Ministry of Food Processing Industry. They will provide support for training of units, product development, appropriate packing and machinery for micro units. ये जो दो इंस्टीट्यूट्स हैं NIFTEM और IIFPT, सो ये क्या करेंगे, ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, अप्रोप्रिएट पैकिंग की एंड मशीनरी फॉर माइक्रो यूनिट्स। एंड देयर आर सम प्रोविजन फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट आल्सो गाइस। सो दोज एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स कैन अवेल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी एट 35% ऑफ द एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट विद अ मैक्सिमम सीलिंग ऑफ ₹10 लाख पर यूनिट। सो बेसिकली जो भी एग्जिस्टिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनको 35% ऑफ द एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट तक का कैपिटल सब्सिडी दिया जाएगा विद अ मैक्सिमम सीलिंग ऑफ ₹10 लाख एंड दिस सब्सिडी कुड बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग कॉमन प्रोसेसिंग फैसिलिटी, लैब, वेयरहाउस एटसेट्रा एंड फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स अ सीड कैपिटल। सीड कैपिटल का मतलब होता है गाइस इनिशियल फंडिंग ऑफ ₹40,000 विल बी प्रोवाइडेड फॉर वर्किंग कैपिटल एंड परचेज ऑफ स्मॉल टूल्स। वर्किंग कैपिटल और छोटे मोटे टूल्स खरीदने के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स हैं उनको ₹40,000 दिए जाएंगे एज अ सीड कैपिटल एंड देयर विल बी आल्सो अ ग्रांट ऑफ 50% दैट विल बी प्रोवाइडेड टू सपोर्ट फॉर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के लिए भी 50% ग्रांट सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। नाउ गाइस, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विद एन आउटले ऑफ ₹10,000 करोड़ एंड दिस एक्सपेंडिचर वुड बी शेयर्ड इन 60:40 between center and state governments, 90:10 with northeastern and himalayan states, 60:40 with UTs with legislature. This is quite important because ye wala jo provision hai UTs with legislature wala ye har scheme mein nahi hota, so you have to remember this, and 100% by center for other UTs. Okay, now what are the expected benefits of the scheme guys? So this scheme is expected to generate a total investment of ₹35,000 crore and 9 lakh skilled and semi skilled employment. It will benefit 8 lakh units through access to information, training, better exposure and formalization. And nearly 2 lakh micro enterprises will get credit linked subsidy support. लगभग 2 lakh micro enterprises को credit linked subsidy support भी provide कराया जाएगा through this scheme. Now last but not the least, what is the need of the move? So guys, the unorganized food processing sector has faces a number of challenges including lack of access to modern technology and equipment, training,
access to institutional credit, lack of basic awareness on quality control of products, and lack of branding and marketing skills, etc. So these are some challenges that are being faced by the unorganized food processing sectors. In challenges ko khatam karne ke liye is scheme ko launch kiya gaya hai by the Ministry of Food Processing Industry. Now let's move on to the questions. The question was, which among the following is not having the correct information? So option A is credit linked capital subsidy at 35% of the eligible project cost will be provided. Yes, this is absolutely correct. Maximum ceiling for subsidy is rupees 15 lakh per unit. No guys, this is not 15 lakh per unit. This is 10 lakh per unit. So therefore the correct answer will be what guys? Option B. Alright, option B will be the correct answer. I hope aapko ye pura ka pura scheme clear hai. Now let's move on to question number 2, which is about the banning of the apps. 59 apps jo bhi recently banned kiye gaye hain by the government of India. Ye question uske bare mein hai. So let us discuss about this. The government of India banned 59 applications and most of them were popular, like TikTok, ShareIt, MI Video Call, Club Factory, Cam Scanner. Which of the following is not the primary reason of this move? इनमें से क्या इस banning का primary move नहीं है? Okay, so let us discuss about this. So government of India banned 59 apps like TikTok, ShareIt, MI, Video Call, Club Factory, Cam Scanner, and this ban has been imposed under Section 69A of the Information Technology Act. This is guys very important. ये question आपके exam में 100% आने वाला है. Section 69A of the Information Technology Act के तहत इन apps को ban किया गया. This move comes as tensions between India and China have escalated following the Galwan Valley clashes on June 15th, जिसकी वजह से हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे. According to the Ministry of Information and Technology, Ministry of Information and Technology is headed by Mr. Ravi Shankar Prasad. Ravi Shankar Prasad, his Lok Sabha constituency is Patna Sahib. Alright, and party is, we all know, Bharatiya Janata Party. So according to this ministry, the apps have been banned due to multiple reasons such as security and privacy concern. मतलब ministry का ये कहना है कि ये सभी apps हमारी security के लिए और हमारी privacy के लिए बहुत बड़ा खतरा थे, जिसकी वजह से इन apps को ban कर दिया गया. Now this ban will ensure the safety and sovereignty of Indian cyberspace and safeguard the interest of crores of mobiles and internet users. The government order will apply not just to new downloads but will also cover the already downloaded apps that have been banned. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है तो यू कैन यूज इट, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. धीरे धीरे करके जो आपके फोन के अंदर डाउनलोडेड ऐप है उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा. एंड फॉर द मीन टाइम इट्स अ रिक्वेस्ट, आप लोग अगर आपके फोन में इनमें से कोई भी ऐप है और अगर आप स्टिल उसको यूज कर रहे हैं तो प्लीज स्टॉप यूजिंग दैट ऐप और उसको अनइंस्टॉल कर दे जल्द से जल्द, बिकॉज देर आर सम प्रोविजन जिसके तहत आपको सजा भी हो सकती है. ओके, यू विल बी कन्विक्टेड अंडर दिस ऑफेंस. सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आपके फोन में वो ऐप अभी भी चल रही है तो प्लीज उसको अनइंस्टॉल करें जल्द से जल्द. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी रीजन ऑफ दिस मूव? So many complaints receiving of app stealing and sending user data to servers outside India. Yes, this is one of the reason. To ensure the safety and sovereignty of Indian cyberspace. Yes. To support Indian startup system. Yes, इसको इससे क्या होगा, जो Indian startup system है उसको काफी boost मिलेगा, उसको काफी support मिलेगा, क्योंकि ये Chinese ban है, जब ये app हो जाएंगी तो इसको substitute करने के लिए Indian companies आगे आएंगी. Okay, and this is how जो Indian startup system है उसको support मिलने वाला है. Move comes as tensions between India and China have escalated following the Galwan Valley clashes. Yes, so therefore guys, the correct answer should be what? Option E. To create revenue for the government by allowing new apps to be entered in the system. नहीं guys, अगर revenue की बात होती तो revenue government को तो इन ऐप से भी आ रहा है. Government को कोई जरूरत नहीं है इन ऐप को ऐप बैन करके दूसरे नए ऐप्स को बनवाने की और उससे revenue लेने की, because government को already revenue आ रहा था इन ऐप से. Okay, so therefore the correct answer will be what? Option E. Now let's move on to question number 3, which is about the soil testing labs. So recently 5 mobile soil testing labs have been launched for testing. They should be have testing the soil samples at the doorstep of farmers free of cost to give further boost to the soil testing facility in the country for promoting appropriate use of fertilizers. It is done by which ministry? So recently 5 mobile soil testing labs ko launch kiya gaya hai taki jo farmers ke doorstep tak jaake unka jo field hai uski सोइल की टेस्टिंग की जा सके. तो क्वेश्चन हमारा यह है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा किया गया है? सो गाइस, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड व्हिच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स हैज लॉन्च्ड दिस मोबाइल सोइल टेस्टिंग लैब फॉर टेस्टिंग द सोइल सैंपल्स एट द डोरस्टेप ऑफ फार्मर्स एंड इट हैज बीन डन टू गिव फर्दर बूस्ट टू द सोइल टेस्टिंग फैसिलिटी इन द कंट्री फॉर प्रमोटिंग अप्रोप्रिएट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर इज हेडेड बाय मिस्टर सदानंद गौड़ा, मिस्टर डीवी सदानंद,
गौड़ा हिज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इज बैंगलोर नॉर्थ. ओके, बैंगलोर नॉर्थ इज द लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ डी वी सदानंद गौड़ा. नाउ दीज मोबाइल लैब्स आर लोडेड विद लेटेस्ट सॉइल टेस्टिंग इक्विपमेंट्स एंड ऑल्सो दीज आर ऑल्सो इक्विप्ड विद ऑडियो वीडियो सिस्टम टू एजुकेट फार्मर्स ऑन वेरियस एग्रीकल्चरल टॉपिक्स. ओके, एंड दिस शैल बी यूज फॉर मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रेंट एनालिसिस ऑफ सॉइल. ये जो सॉइल टेस्ट किया जाएगा ये किस लिए किया जाएगा? फॉर मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रेंट एनालिसिस. ओके, एंड दिस कंपनी इज ऑल्सो सर्विंग फार्मिंग कम्युनिटी थ्रू सिक्स स्टैटिक सॉइल टेस्टिंग लैब्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री. एंड ऑल दीज लैब्स टेस्टेड अराउंड 25,000 सॉइल सैंपल्स फ्री ऑफ कॉस्ट इन द ईयर 2019-20. सो दिस वॉज अबाउट द मोबाइल टेस्टिंग सॉइल टेस्टिंग लैब. सो नाउ देयरफॉर गाइज द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स. Now question number 4, which is about the Sankalp Parv. So Ministry of Culture has decided to celebrate Sankalp Parv from 28 June to 12th July 2020. What is the purpose of this move? So now can you tell me the name of the Minister of Culture and his or her Lok Sabha constituency? Write down in comments. So guys, let us discuss about this Sankalp Parv celebration. So Ministry of Culture has decided to celebrate this Parv where the ministry expects all its subordinate offices, academies, attached institutions, affiliated institutions to plant trees in its campus or at the surroundings wherever it is possible. The ministry recommends to plant 5 trees, which are Bargad, Amla, Peepal, Ashok and Bale. But if sampling of these trees are not available, then people can also plant any other sapling of their choice. The institutions must also ensure that the employees take care of planted by them during the year so that it survives and flourishes. So basically ye jo sankalp parv hai ye tree plantation parv hai. Okay, so now therefore the correct answer will be what guys? Option A, promoting plantation. Okay, promoting plantation is the purpose of this move, this parv, which is known as sankalp parv. Now let's move on to question number 5 and the last question for today. Aap sabko pata hai ki ek din pehle pradhanmantri aaye the, unka sambodhan tha. तो उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को एक्सटेंड कर दिया गया है. प्राइम मिनिस्टर हैज एक्सटेंडेड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इन हिज रीसेंट संबोधन टू द कंट्री. सो दिस क्वेश्चन इज अबाउट दैट ओनली. सो देयरफॉर लेट्स रीड डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन फर्स्ट इज द इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक इज स्टिल कंटिन्यूइंग. मेनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव नॉट बीन एबल टू स्टार्ट इन देयर फुल कैपेसिटी एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अनएम्प्लॉयड स्टिल. Keeping this in mind, Government of India has decided to extend the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana for how many months? Kitne mahine ke liye extend kar diya gaya hai? So let us discuss about this. So Government of India announced this extension of Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana till the end of November 2020, 5 months from now. Abhi se leke 5 mahine tak ke liye isko extend kar diya gaya hai. And this Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana was brought with a package of it was brought under the package of 1.7 lakh crore for the poor and that was announced jab lockdown shuru mein announce kiya gaya tha usi samay pradhan mantri garib kalyan yojana ko announce kar diya gaya tha. And this extension has been done because the impact of covid-19 pandemic is still continuing. Many economic activities have not been able to start in their full capacity and a large number of people are unemployed. Because ये जो एक्सटेंशन है ये इसलिए किया जा रहा है गाइस बिकॉज जो कोविड-19 का पेंडेमिक है वो अभी भी चल रहा है. बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो कि ढंग से काम अभी भी नहीं कर पा रही और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी अनएम्प्लॉयड हैं. सो इन दिस सिनेरियो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक द स्टेप फॉर वेलफेयर ऑफ द पुअर पीपल एंड टू फुलफिल देयर फूड नीड्स अप टू सम एक्सटेंट. ओके, मतलब कम से कम उनको खाना मिलते रहे. एंड अंडर द एक्सटेंडेड स्कीम क्या क्या प्रोविजन है? सो 5 kg फ्री wheat or rice will be provided to more than 80 crore people to each member of a family along with 1 kg free whole chana per family per month. 1 kilo chana bhi diya jayega saath mein. And the government will spend rupees 90,000 crore towards the extension of the scheme and already government ne is pe 60,000 crore rupaye kharcha kar diya hai. So therefore the total expenditure of the government on this scheme will be what? Rupees 1.5 lakh crore for this scheme, which is a huge amount. Now what is this scheme? So this scheme is a part of Pradhan Mantri Garib Kalyan package to help the poor fight the battle against COVID-19. It was announced for a 3-month period initially aur ye 30 June 2020 ko khatam ho chuka hai. This scheme aimed at providing each person who is covered under the National Food Security Act with an additional 5 kg grains for free in addition to the 5 kg of subsidized food grain already provided through the PDS. Jo PDS ke through already mil raha tha uske alawa 5 kg jo grains hai wo aur diya jayega. And the beneficiaries are also entitled
टू 1 kg ऑफ पल्स फॉर फ्री, पल्सेस फॉर फ्री अकॉर्डिंग टू रीजनल प्रेफरेंसेस। एंड ये जो स्कीम है अकॉर्डिंग टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन विच इज हेडेड बाय मिस्टर रामविलास पासवान एंड ही इज राज्यसभा MP फ्रॉम बिहार। अ टोटल ऑफ अकॉर्डिंग टू दिस मिनिस्ट्री अ टोटल ऑफ 116.02 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स हैव बीन लिफ्टेड अंडर द स्कीम। अभी तक 116 लाख मेट्रिक टन्स फूड ग्रेन्स दिया जा चुका है अंडर दिस स्कीम। सो नाउ गाइज लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। सो दिस स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर 5 months टिल नवंबर 2020, 5 महीने के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, ऑप्शन बी, 5 months। ओके सो गाइज दैट्स इट फॉर द सेशन टुडे, आई होप यू लाइक इट। फॉर मोर अपडेट्स टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।